हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो लाइटनिंग अरेस्टर करता क्या है? आप लोगों ने देखे होंगे कि अभी कभी बारिश होती है तो बादल कड़कते हैं और बिजली गिरती है। वो बिजली जो गिरती है, जहाँ भी गिरती है, उस जिस चीज़ में भी गिरेगी उसे बहुत ही नुकसान कर सकती है, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस या झाड़ में, ट्री में या किसी ह्यूमन बॉडी में गिरेगी तो वो बहुत ही उसे डैमेज कर सकती है। उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर यूज़ करते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर सबसे पहले तो उसे लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसे ग्राउंड कर देता है। अर्थिंग थ्रू उसे ग्राउंड कर देगा तो जो आसपास जो पैनल है, जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, उन्हें वो प्रिवेंट कर देगा। इस वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरह वो लाइटनिंग अरेस्टर लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करता है और प्रिवेंट करता है डिवाइसेस को। ये देखिए किस तरह लाइटनिंग हो रही है और उसे प्रिवेंट कर रहा है। आसपास जितना भी उसका रेडियस लिमिट रहेगा, उतने रेडियस में वो प्रिवेंट करेगा। 30 मीटर, 40 मीटर, अलग अलग स्पेसिफिकेशन के आते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। आज हम आए हैं पुणे के आइबिस होटल में। यहाँ हम लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल है। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं लाइटनिंग अरेस्टर है। पास से देख सकते हैं किस तरह दिखाई देता है ये। और मेरे हाथ में उसका कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं, उसे किस तरह लगाते हैं वो देखेंगे अभी। इसमें एक काउंटर भी लगता है नीचे, जब कभी लाइटनिंग गिरेगी वो उसके थ्रू पास होगी तो उस काउंटर थ्रू देख सकते हैं काउंट 1, 2, 3 जितना भी बार वो लाइटनिंग पास करेगा, अर्थ करेगा, उसमें वो रिकॉर्ड होते जाएगा। देखिए एक नट लगा हुआ है, उसमें ये इसमें अर्थिंग कनेक्ट होगा, जो अभी डाला हूँ उसमें अर्थिंग कनेक्ट होगा, अर्थिंग स्ट्रिप। उसके बाद ये एक होल्डर टाइप है जो कि पोल में लगेगा, जिसमें अपना लाइटनिंग अरेस्टर और पोल दोनों अटैच हो जाएंगे। उसको अच्छे से टाइट कर देंगे नट को। ये देखिए इसमें अर्थिंग स्ट्रिप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये अर्थिंग स्ट्रिप देख सकते हैं जिसमें स्लीव चढ़ा हुआ है, ब्लैक कलर का स्लीव चढ़ा दिए हैं। इसका साइज़ जो सॉरी अर्थिंग का जो साइज़ है वो है 25x6 mm। ये कॉपर का है। अब ये स्लीव को खोलते हैं तो देख सकते हैं इसको इस तरह ये होल्डर में कनेक्ट करेंगे अर्थिंग स्ट्रिप को। उसके बाद ये पोल में लगा देंगे, जो कि थ्रेड लगा हुआ है दोनों में, वो थ्रेड थ्रू पोल में लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्ट हो जाएगा और पोल को खड़ा कर देंगे अपने रूफ में, ठीक है। इस तरह देखिए टाइट कर देंगे इसको, और पोल को खड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह। अभी इसे खोल देता हूँ क्योंकि नीचे रखूँगा तो वो ख़राब हो जाएगा लोड की वजह से। बहुत ही सिंपल है इसे लगाना। और अर्थिंग स्ट्रिप को ले जाके, इसके साथ में ले जाके नीचे लेके जाके कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड में। ओके, थैंक यू।